याद है इस कोर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जेएस एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है या फिर बैक एंड का फ्रेमवर्क है। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जेएस दोनों का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड का तो है ही है, बैक एंड का भी फ्रेमवर्क है। और आज हम उस चीज़ की पुष्टि करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे किस तरह से नेक्स्ट जेएस के अंदर एपीआई रूट्स को बनाया जा सकता है। हम लोग उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से पेजेस के अंदर जो एपीआई फोल्डर होता है उसको पॉपुलेट करके नेक्स्ट जेएस का बैक एंड लिखा जा सकता है, यानी कि वो बैक एंड जो कि आपके क्लाइंट बंडल में बिल्कुल भी शिप नहीं किया जाएगा, आपके क्लाइंट को नहीं दिखाया जाएगा। हम लोग देखेंगे कि इस पेजेस के अंदर के एपीआई फोल्डर के अंदर भी फाइल बेस्ड रूटिंग किस तरह से काम करती है। हम लोग जेसन रिस्पॉन्स को अपने ब्राउजर में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं इन एपीआई एंड पॉइंट्स को, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को किस तरह से मॉडिफाई और एक्सेस करना है, ये सब हम लोग देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपनी एपीआई के इंट्रोडक्शन को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यार अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इस डेटा को सर्व करेंगे। हम लोगों ने ये जेसन फाइल्स तो बना लिया, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि किस तरह से इसको सर्व किया जा सकता है, तो आज इसी चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की जो प्लेलिस्ट है आई होप सबने एक्सेस कर ली होगी। मैं जल्दी से यार्न डेव लिख देता हूँ ताकि हम सबका टाइम बचा रहे, किसी का टाइम वेस्ट ना हो। यार्न डेव लिखने के बाद मैं इस ब्लॉग को खोल भी लूँगा और आप लोग यहाँ पर देखो कि अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी सारी की सारी जेसन्स जो है वो रेंडर होकर दिख जाए। ठीक है, जेसन रेंडर होकर दिख जाएगा, मतलब ये है यहाँ पर जो भी मेरी जेसन में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो मुझे दिख जाए। अब जेसन मेरी कहाँ गई ब्लॉक डेटा के अंदर, ये रही, ये जेसन और ये जेसन मैं चाहता हूँ कि मुझे देखने को मिले जब भी करस्पॉन्डिंग स्लग को हिट किया जाता है तब। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे किया जाएगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की एपीआई से मिलवाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने ये पेजेस फोल्डर देखा होगा तो यहाँ पर एक एपीआई फोल्डर होता है। ठीक है, एपीआई फोल्डर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अभी तक हमने छुई नहीं। हमने बात करी थी कि नेक्स्ट जेएस एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है या फिर नेक्स्ट जेएस एक बैक एंड का फ्रेमवर्क है। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जेएस जो है वो दोनों का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड का भी फ्रेमवर्क है और बैक एंड का भी फ्रेमवर्क है। कैसे ये संभव होता है, देखो यार जो कोड हम यहाँ पर लिखते हैं पेजेस के अंदर, ये जो हमने अबाउट डॉट जेएस बनाया, हमने ये ब्लॉक डॉट जेएस बनाया और उसी के साथ साथ हमने ये कॉन्टैक्ट डॉट जेएस बनाया, ये सारे के सारे फ्रंट एंड के कोड हैं। ये जो कोड लिखे गए हैं किसके कोड हैं, फ्रंट एंड के कोड हैं। लेकिन अब हम जो बनाने वाले हैं वो पता है क्या है, बैक एंड का कोड है, एपीआई के अंदर का कोड लिखने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, यहाँ पर देखो पेजेस के अंदर है एपीआई, एपीआई के अंदर है हेलो। तो एक इंट्यूटिव सा, अगर मान लो मुझे कुछ आता ही नहीं नेक्स्ट जेएस के बारे में, लेट अस अस्यूम, ठीक है, मैं क्या करूँगा, एपीआई लिखूँगा स्लैश हेलो लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर नेम जॉन डो, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है वो यहाँ पर रिटर्न होकर मिल गई है। तो नेक्स्ट जेएस इस प्रकार से बैकएंड का फ्रेमवर्क बन चुका है, यानी कि मैं ये एपीआई रूट्स जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर बना सकता हूँ अपने सिंपल से एपीआई रूट्स। और वो कोड, ये वाला जो कोड है जो इस यहाँ पर लिखा जाएगा, ये नहीं दिखेगा मेरे क्लाइंट्स को। ठीक है, इसी को बैकएंड कहते हैं। बैकएंड में हम लोग यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के थ्रू। ठीक है, अगर आप लोग पूछो फ्रंट एंड का है नेक्स्ट जेएस या बैक एंड का है, तो नेक्स्ट जेएस जो है वो दोनों का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड का भी फ्रेमवर्क है, बैक एंड का भी फ्रेमवर्क है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो अब बैक एंड का कोड लिखेंगे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जॉन डो हटाकर हैरी भाई कर दूंगा, हैरी भाई कर दूंगा और इसको सेव करूंगा, तो आप लोग को ये चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा मैं रिलोड करूंगा तो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जेसन फॉर्मेटर नामक एप्लीकेशन, सॉरी एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँ, तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि एड टू क्रोम मैं कर देता हूँ, एड एक्सटेंशन कर देता हूँ, ये एपीआई रूट्स जो है जो भी मेरा जेसन का आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफाई होकर दिखेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रॉ डेटा भी मैं देख सकता हूँ, पार्स डेटा भी देख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको ओपन क्लोज कर सकता हूँ और काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे ब्लॉग्स दिखें, और मैं स्पेसिफिकली ये चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर स्लग डाल दिया, यानी कि किसी भी तरह से मुझे स्लग पता चल गया, तो मैं फेच करना चाहूँगा अपने उस ब्लॉग का कंटेंट। यानी कि जैसे अगर मैंने हाउ टू लर्न फ्लास्क डाल दिया, तो मैं चाहूँगा टाइटल मुझे मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, ऑथर मिल जाए। ये तीन चीज़ें एक बार मुझे मिल जाती हैं तो मैं क्या करूँगा, ये रिटर्न कर दूंगा जेसन के फॉर्म में। तो मुझे ये वाली फाइल रीड करके बेसिकली रिटर्न करनी है। ठीक है, इतना करना है बस मुझे। ठीक है, तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ आप लोग देखना। लेकिन उससे भी पहले मैं कंसोल पर लॉग करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों आपको लॉक करके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक करूंगा तो क्या ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा, आप लोग गैस करो नीचे मुझे कमेंट में बताओ, क्या मुझे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिला कि नहीं देखने को।
और पॉज करके सब लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। आई होप सबने कमेंट किया होगा। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर कंसोल में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो API है वो एक बैकएंड की API है, तो जो भी मैं कंसोल में लिखूंगा वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। आप लोग देखो, मेरे बैकएंड में देखने को मिलेगा, ये यूज़र को नहीं दिखेगा। मैं यूज़र को पूरी रिक्वेस्ट नहीं दिखाना चाहता हूं। अगर मैंने गलती से यहाँ पर console.log डाल दिया, अगर आप Next.js को छोड़ दो एक मिनट के लिए, अगर आप Node.js में APIs बनाते हो, कोई भी मर्न ऐप लिखते हो, तब वहाँ पर आप लोगों को जो कंसोल लॉग है वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है? वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ता है अपने बैकएंड में, यानी कि अपने प्राइवेट सर्वर में, ना कि अपने ब्राउज़र में, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आप देखो यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसको यहाँ पर इंस्पेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कि पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है इसमें, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, चाहो तो इसको प्रिटी प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिटी प्रिंट करना चाहूँ तो कई चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ इसको, जेसन डॉट स्ट्रिंग, मैं इसको राइट कर सकता हूँ बेसिकली एक फाइल में, बट अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को जिस तरह से हमने देखा, उस तरह से हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, ठीक है? तो जो हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। मैं हिट करूँगा इसको, एक बार हिट करूँगा तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मुझे दिखाएगा। तो ये मेरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जिस तरह से रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मुझे दिखा, उसी तरह से ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी मुझे दिख गया। अब आप लोग देखो, रिस्पॉन्स में कई चीज़ें हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हो, और इसको प्रिंट प्रिंट करके एक फाइल में राइट करके इसको और डीपली इंस्पेक्ट कर सकते हो। वो मैं काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी एक फाइल में ले जा सकते हो, उसको .json फॉर्मेट में सेव कर लो, ठीक है? और उसके बाद देख लो उस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को। बट अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को स्किप करेंगे, बट आप लोग कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात और आप लोगों को जो बताना मैं चाहूँगा वो ये है कि आप लोग यहाँ पर फाइल बेस्ड रूटिंग देखते हो API के अंदर, जिस तरह से हम पेजेस के अंदर फाइल बेस्ड रूटिंग देखते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के होम पे हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा ये कुछ इस तरह से। अबाउट पे हूँ /about करूँ तो ये about.js मुझे देखने को मिल जाएगा। /blog post/ वाले जो ब्लॉग्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। /blog है तो मुझे ये blog.js रेंडर होकर मिल जाएगा। उसी तरह API में भी चलता है साहब। अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ index.js, और मैं एग्जैक्टली यही चीज़ करूँगा जो hello.js के अंदर है, एग्जैक्टली यही चीज़ मैं करूँगा। और अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, मैं ज़रा कुछ स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आप लोग, rest.status.json ये लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स पर जाऊँ, यानी कि मुझे index.js लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ /API पर जाऊँ, तो आप लोग देखो ये हरी भाई आ गया। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ this is my home page, ठीक है? और this is my home page लिख के इसको रिलोड करूँगा, देखो this is my home page लिख कर आ रहा है। और ये जो slash hello वाली API है वो बिल्कुल अनचेंज्ड है, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, कई चीज़ें लगा सकते हो। एकदम आप ऐसा समझ लो कि मर्न स्टैक, आपको मर्न में अपनी APIs लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर कर सकते हो। सारी APIs आप यहाँ पर ला सकते हो, यहाँ पर ला के डाल सकते हो, ठीक है? आई होप समझ में आ गया आप लोगों को और मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को इस कोर्स में। आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह से इस तरह के JSON endpoints को बनाया जा सकता है। अगर आप लोगों ने मेरा React का कोर्स देखा है बाय एनी चांस, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक मर्न एप्लीकेशन बनाई थी। React का कोर्स मेरा काफ़ी कंटेंट रिच था, उसमें मैंने कई चीज़ें आप लोगों को बताई थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे थे। बहुत सारे लोग उसको लेंदी भी बोलते हैं कि यार बहुत लेंदी कर दिया यार इतने सारे प्रोजेक्ट्स, बट मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट से यार क्लैरिटी आती है। तो प्रोजेक्ट्स आप लोग जब तक नहीं बनाओगे उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हमने कई बार कई चीज़ें करी थी यहाँ पर, और मैंने वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी रिएक्ट के बारे में। और वहाँ पर हमने मर्न स्टैक भी देखी थी कि रिएक्ट को मर्न स्टैक से कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों को अलग से APIs बनाने की ज़रूरत नहीं है, Node.js में आप यहीं पर बना सकते हो। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना, रिएक्ट की चाहो तो कर लेना, बट Next.js की ज़रूर से कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।